मध्य प्रदेश के सरदारपुर में क्षेत्रीय विधायक द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि रबी विपणन वर्ष 2020 से 21 में समर्थन मूल्य अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सभी सहकारिता संस्थाओं में खरीदी कार्य चल रहा है। जिले में कुल 40,102 गेहूं उपार्जन हेतु पंजीकृत है, जिनमें से कई किसानों की खरीदी की जा चुकी है। कोविड-19 महामारी के चलते तथा अन्य कारणों से कुछ किसान SMS प्राप्त होने के बाद अपनी उपज लेकर गए, लेकिन पूर्व तिथियों में प्राप्त SMS वाले किसान की ही गेहूं खरीदी गई। किसान खरीदी केंद्रों पर तोल कांटों की कमी एवं अन्य अव्यवस्थाएं भी रही। बता दें कि सभी किसान समिति में पंजीकृत हैं, सभी किसान अपनी उपज विक्रय कराना चाहते हैं, किंतु उपार्जन पोर्टल पर 18 मई से खरीद के लिए टोकन तथा बिल जारी होना बंद हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का किसानों से यह वादा था कि किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदा जाएगा, फिर SMS प्राप्त किसानों का गेहूं खरीदी सहकारी संस्थाओं द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। यहां आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 3 दिवस में SMS प्राप्त किसानों से गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बताते चले कि मध्य प्रदेश के सरदारपुर क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी विजय राय को ज्ञापन सौंपा गया है। सरदारपुर से संवाददाता दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। उपार्जन पोर्टल पर किसानों के बिल व टोकन पर रोक लग गई है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मंशा थी कि मैं किसानों का एक एक दाना खरीदूंगा, फिर ऐसे में प्राप्त किसानों के गेहूं क्यों नहीं खरीदी जा रहा। मेरा मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से यही अनुरोध है कि SMS प्राप्त सभी किसानों का गेहूं खरीदी जाए। साथ ही साथ जो 26 मई तक की गेहूं खरीदी की समय सीमा है, उस समय सीमा को भी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ प्रदेश की मंडियों में भी भावांतर योजना के साथ में गेहूं खरीदी प्रारंभ किया जाए। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को के नाम ज्ञापन दिया है। अगर 3 दिन की अवधि के अंदर इस समस्या का हल नहीं होता है तो लॉकडाउन का पालन करते हुए धरना आंदोलन किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.